Hi guys, my name is Himanshu Gupta and I will be your mentor for UGC NET Commerce Management and HRM for December 2019 examination. So, आज के इस वीडियो के अंदर हम इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या रेगुलेटरी बॉडीज हैं और क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं फॉर इंडियन हायर एजुकेशन. सो चलिए हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं. सो अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है प्राइमरी एजुकेशन और फिर आपका होता है सेकेंडरी एजुकेशन और फिर आपका आता है टर्शियरी एजुकेशन, बेसिकली जिसको हायर एजुकेशन भी बोला जाता है. सो हायर एजुकेशन में जो आपके काउंट होते हैं दैट इज आपकी बैचलर्स, मास्टर्स एंड एमफिल पीएचडी. सो यहाँ पे जो आपकी पीएचडी डिग्री होती है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन माना जाता है. सो अगर हम हायर एजुकेशन इन इंडिया की बात करें सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर अवेलेबल थी दैट वॉज 20 और अगर हम 2019 की बात करें सो यहाँ पे जो इंडिया के अंदर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं दैट इज 1000 प्लस. और ये कितनी कितनी है, सेंट्रल कितनी है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द लेटर स्लाइड्स. सो अगर हम देखें सो इंडिया टुडे रैंक एज द थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड. सो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट माना गया आफ्टर यूएसए एंड चाइना. सो आप देख सकते हैं कि हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा है बट स्टिल इसके अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको कई सारे कमिटीज़ ने, जो कई सारे एजुकेशनल कमिटीज सेटअप की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सो उसके अंदर देखा गया कि हमारे एजुकेशन के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है. सो हम उसको भी देखेंगे. सो अगर हम टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया की बात करें सो यहाँ पे हमारे पास हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. सो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है, बेसिकली अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड बाई सेंट्रल एक्ट. सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर रही है, जिसको स्पॉन्सर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज माना जाएगा. अभी करंटली इंडिया के अंदर 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, हम इसको डिटेल में देखेंगे लेटर स्लाइड्स के अंदर. नाउ स्टेट यूनिवर्सिटी, सो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कर यूनिवर्सिटीज इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, उनको स्टेट यूनिवर्सिटीज बोला जाता है. अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सो बेसिकली यहाँ पे एक सोसाइटी होती है जो बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप करती है, वहाँ पे उसको स्पॉन्सरिंग बॉडी जो होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं. नाउ अगर हम डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सो बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं अदर देन यूनिवर्सिटीज, अगर वो हाई परफॉर्मिंग है सो उनको यूनिवर्सिटी का टैग दे सकती है गवर्नमेंट, सो उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटीज बोला जाएगा. नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेटअप किए गए हैं अंडर द स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे IITs, IIMs और अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स हो गया, सो ये सब बेसिकली ये जो हैं आपके इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर काउंट होते हैं. सो यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर रिकॉग्नाइज बाई UGC विच ड्रॉ इट्स पावर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956. सो बेसिकली आपका UGC का एक एक्ट है 1956 के अंदर, सो इसके अंडर UGC को पावर दी गई है कि वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, वेदर दे आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वेदर दे आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और वेदर दे आर स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सबको UGC जो है वो रेगुलेट करता है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है. सो अगर हम इसके बाद देखें अगर हमारे पास इंडिया के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो करंटली अगर हम देखें 2019 में हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हैं 49 इंडिया के अंदर टोटल. अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सो इंडिया के अंदर जो टोटल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 399 है एज़ पर द अवेलेबल डेटा ऑन UGC वेबसाइट. सो बेसिकली यहाँ पे UGC जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है, उनका डेटा रिकॉर्ड करके रखता है. सो यहाँ पे जो अगर UGC की वेबसाइट पे हम देखें सो यहाँ पे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी इंडिया के अंदर करंटली वो 399 है. ओपन यूनिवर्सिटीज, बेसिकली यहाँ पे अगर हम ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सो यहाँ पे हैं 13+1, 13 है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और 1 है सेंट्रल, दैट इज़ इग्नू. सो इग्नू जो है आपका सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है. अगर हम स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़. अदर देन दिस यहाँ पे जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रेगुलर एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं उन्होंने भी अपने ओपन इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा. सो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सो यहाँ पे डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ की दो कैटेगरीज हैं, दैट इज अंडर सेक्शन 3 और
एंड अंडर सेक्शन 12 बी. सो बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 3 के अंदर कहा जाता है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, बट जो भी यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 12 बी के अंदर रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे उनको फंडिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है. सो बेसिकली यहाँ पे जो सेक्शन 12 बी के अंदर रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं करती है, बट अंडर सेक्शन 3 के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटीज उनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है. सो अगर हम उसके देखें सेक्शन 3 के अंदर हमारी जो टोटल यूनिवर्सिटीज हैं दैट इज 124 और सेक्शन 12 बी के अंदर है 39. नाउ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. सो यहाँ पे अगर हम इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 20 IIMs हैं, 23 IITs हैं, 31 NITs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड इसके अलावा भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. सो इस टाइप के कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है. नाउ प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो टोटल यूनिवर्सिटीज हैं ये हैं 334. नाउ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन. सो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं सो यहाँ पे आपको दो डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, दैट इज स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. सो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है और जो स्कूल एजुकेशन है इसको रेगुलेट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, दैट इज स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. और जो आपका हायर एजुकेशन है दैट इज आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो इसको रेगुलेट करने के लिए जो आपका डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. सो यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं दैट इज फॉर द यूनिवर्सिटीज एज वेल एज कॉलेजेस. नाउ जो मेजर रेगुलेटर्स हैं हायर एजुकेशन के वो हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. सो बेसिकली यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये रेगुलेट करता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को. बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इधर इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और मैनेजमेंट. सो आप देख सकते हैं इनको. नाउ अगर हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें सो इस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956. सो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आपका UGC है वो सेटअप हुआ था 1956 के अंदर. इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. सो बेसिकली यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना और उसको ओवरसी करना. सो बेसिकली ये सब फंक्शन है UGC के. अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ग्रांट टू एलिजिबल यूनिवर्सिटी, बेसिकली यहाँ पे जो आपका UGC है ये ग्रांट्स प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज को. बेसिकली यहाँ पे जो आपका ग्रांट है ये शो करता है फंड्स. सो बेसिकली जो आपको जो यूनिवर्सिटीज़ को फंड प्रोवाइड किया जाता है ये UGC ही प्रोवाइड करता है सारी यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स. सो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू एलिजिबल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस द कमीशन ऑल्सो एडवाइसेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मेजर विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. सो हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए जो जो मेजर्स लिए जा सकते हैं उसके लिए रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करता है UGC टू द गवर्नमेंट. नाउ अगर हम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज AICTE की बात करें सो बेसिकली यहाँ ये सेटअप हुआ था 1945 में एज अ एडवाइजरी बॉडी एंड इसके बाद इसको 1987 में चेंज कर दिया गया था और इसको स्टैचुअरी स्टेटस दे दिया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. नाउ इसका फंक्शन क्या है, द AICTE ग्रांट्स अप्रूवल फॉर स्टार्टिंग न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन. सो हमने अभी बात की कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं. सो यहाँ पे जो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके अंदर आपके आते हैं इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी. सो इस टाइप के जो कोर्सेज हैं इनको रेगुलेट करता है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. नाउ इट ऑल्सो एंश्योर्स क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन थ्रू एक्रीडेशन ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम्स. सो बेसिकली यहाँ पे इवेल्युएशन किया जाता है जो भी इंस्टीट्यूशन है आपके बाय द AICTE. वैसे ही इन द सिमिलर वे आपका जो UGC है वो भी एक्रीडेशन कराते हैं टू द फॉर द यूनिवर्सिटीज. नाउ अब हम बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की. सो बेसिकली यहाँ पे आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है. सो यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स या जितने भी नंबर ऑफ पीपल जो एनरोल कर रहे हैं हायर एजुकेशन के अंदर, यहाँ पे जो आपका अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में एंड रिसर्च लेवल स्टडीज में जितने भी एनरोलमेंट हो रहे हैं इसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के अंदर काउंट किया जाता है.
अगर हम इसके डेटा को देखें कि कितने नंबर ऑफ या कितना पॉपुलेशन या कितना परसेंटेज जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के अंदर काउंट हो रहा है या फिर कितना एनरोल हो रहा है हायर एजुकेशन के अंदर, सो वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सो इंडिया इज एमिंग टू अटेन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 30% बाई 2020। सो हमारा 2020 तक का जो टारगेट है वो है 30% फॉर द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सो हमने टारगेट किया हुआ है कि हम 2020 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो हमारा 30% होगा। सो अभी जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो रेंज करता है फ्रॉम 23% टू 25%। सो आप देख सकते हैं कितना कम है अभी। और अगर हम इसको कंपेयर करें अदर कंट्रीज लाइक चाइना से, सो चाइना के अंदर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो भी करंटली है वो है 43.39%। अगर हम इसको यूएस से देखें, सो यहाँ पे यूएस का आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देख सकते हैं 85.8%। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। सो अगर 85.8% और 23%, आप देख सकते हैं कितना मेजर डिफरेंस है यूएसए की हायर एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट के अंदर और इंडिया के हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट के अंदर। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट परसुइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज़ नॉट इंक्रीज ड्रामेटिकली फ्रॉम 2016 to 2017 एंड इट वॉज इन द रेंज ऑफ 23% टू 25%। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहा है वो 23% टू 25% की रेंज में ही रहा है। अच्छा, अगर हम स्टेट वाइज बात करें, सो तमिलनाडु का हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहा है 46.9%। सो आप देख सकते हैं कि जो सदरन स्टेट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारे हायर एजुकेशन है या एजुकेशन सेक्टर में। नाउ जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करते हैं। सो बेसिकली आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या शो करता है? सो जेंडर पैरिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज अ क्वोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स बाय द नंबर ऑफ मेल्स एनरोल्ड। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका हायर एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट हो रहा है कैंडिडेट्स का, उसके अंदर कितने मेल कैंडिडेट्स हैं और कितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इसके एनरोलमेंट को चेक किया जाता है। सो इसको बोला जाता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो जेंडर डाइवर्सिटी है वो मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स आ रही हैं या नहीं आ रही है इन द रेशियो ऑफ मेल कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे इसको मेजर किया जाता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स के थ्रू। नाउ इंडिया रजिस्टर्ड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द जीपीआई इन द लास्ट 7 ईयर। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जीपीआई के अंदर जो हमारा स्कोर रहा है वो काफी अच्छा रहा है इन द रिसेंट ईयर्स। सो ये 0.94% रहा है इन 2016-17 फ्रॉम 0.86% इन 2010-11। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है इसके अंदर ग्रोथ देखी गई है इन 7 स्टेट्स, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम एंड केरल। वुमेन इन हायर एजुकेशन हैव आउट नंबर द मैन। सो यहाँ पे जो एनरोलमेंट रेशियो रहा है इसके अंदर जो वुमेन्स का एनरोलमेंट रेशियो रहा है वो मेल से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वुमेन्स रजिस्टर्ड हुई हैं हायर एजुकेशन के अंदर वो मेल से ज़्यादा रही हैं। सो इट इज़ अ गुड साइन ऑफ जेंडर पैरिटी इंडेक्स। नाउ अब हम रिसेंट स्कीम की बात कर लेते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। सो यहाँ पे जो स्कीम लॉन्च की गई दैट इज इक्विप स्कीम। सो बेसिकली अगर हम इक्विप के फुल फॉर्म की बात करें, सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। सो बेसिकली ये किसको टारगेट कर रहा है? द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज फाइनलाइज एंड रिलीज अ 5-year विजन प्रोग्राम। सो बेसिकली ये 5-year का प्रोग्राम है, टाइटल एज इक्विप। Now, the vision planned by the HRD ministry in accordance with the Prime Minister direction for finalizing a 5-year vision program. So, basically, ये 2019 से 2014 के लिए सेटअप किया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें, so 10 एक्सपर्ट ग्रुप की कमिटी सेटअप की गई थी और 10 एक्सपर्ट ग्रुप की कमिटीज की हर एक ग्रुप की रिकमेंडेशन थी अलग अलग। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उन मेजर एक्सपर्ट ग्रुप्स ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। सो यहाँ पे जो गोल सेट किया गया था हायर एजुकेशन के अंदर उसको देख लेते हैं। सो डबल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको डबल करने की बात की गई है। नाउ रिजॉल्विंग ज्योग्राफिकली एंड सोशली स्क्यूड एसेस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सो यहाँ पे जो ज्योग्राफिकली एंड सोशली स्क्यूड एसेस टू हायर एजुकेशन है सो इसको भी रिड्यूस करने की बात की गई है। नाउ प्रोमोटिंग इंडिया एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे इंडिया को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने की बात की गई है। बेसिकली यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की बात की गई है कि यहाँ पे जितने ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स हो सके उनको इंडिया के अंदर अट्रैक्ट किया जाए और इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जाए। अपग्रेड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। सो यहाँ पे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं हायर एजुकेशन को उसको इम्प्लीमेंट कराने की बात की गई है। नाउ
positioning minimum 20 Indian institution among the top 200 global universities. The top 200 global universities हैं, उसके अंदर इंडिया की 20 universities को minimum लेके आने की बात की गई है यहाँ पे. Promote research and innovation ecosystem for positioning India in the top 3 countries globally in the matter of knowledge creation. So basically यहाँ पे knowledge creation क्या होता है? Basically आप जब भी research की बात करते हैं, so यहाँ पे research के अंदर आपका होता है new knowledge creation. So यहाँ पे अगर हम research की quality को improve करेंगे, so यहाँ पे आपका knowledge creation काफी अच्छा होगा, new researches होंगी और जो इंडिया का quality of research होगा काफी हद तक improve होगा. So इसको भी improve करने की बात की गई है इसके अंदर. Now, accreditation for all institution and assurance of quality. So, हर एक institution का accreditation किया जाए, उसको grading दी जाए और उनकी performance को evaluate किया जाए और इससे जो quality है उसको assure किया जाए. तो ये सब कुछ recommendation थी जो expert committees ने दी हैं for the improvement of higher education. So, इस video के अंदर हमने higher education system को देखा इंडिया के और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है फॉर द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं. सो आप हमारे साथ बने रहिए. अगर आपको हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड एचआर का कंप्लीट कोर्स पैक परचेज करना है, सो वो भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, सो आप हमारे गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. सो आप हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज.